देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। दरियागंज में दिल्ली पुलिस खाली सड़क पर फ्लैग मार्च कर रही थी, बड़े बड़े अफसरों के साथ पूरी पलटन थी। उधर जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ चुकी थी, लेकिन रात के 8:08 पर माहौल अचानक बदल जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक से जंतर मंतर पहुंच जाती है। फिर से तख्तियां लहराई जाने लगती हैं, फिर से नारे लगने लगते हैं, फिर से लोग जमा हो जाते हैं। ये बेसिकली गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे अफेक्टेड गरीब तबका होगा। आप बताइए, अगर किसी को दस्तावेज, पुराने दस्तावेज निकालने पड़े ये दिखाने के लिए कि उनकी जमीन है, कि वो पैदा कब हुए, कहाँ हुए, अगर आपकी दादी को दिखाने हो तो दिखा पाएंगी? प्रियंका गांधी के जंतर मंतर पहुंचने की भनक लगते ही दिल्ली पुलिस सकते में आ गई। अफसर फिर से जंतर मंतर की ओर दौड़े, नारेबाजी ऊंची हो गई थी। प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। वो लगातार सरकार पर हमले बोल रही है। 3 दिन पहले वो इसी तरह अचानक इंडिया गेट पर जाकर बैठ गई थी और अब जंतर मंतर। देखिए, ये सरकार शुरू से जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती, युवाओं की आवाज सुनना नहीं चाहती, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन चीजों में जो ये कह रहे हैं। जनता काफी दिनों से अब प्रदर्शन कर रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो किस मुंह से कह रहे हैं? यहाँ आकर बात करें, स्टूडेंट से बात करें, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करें। कौन रोक रहा है, किसने रोका है? मतलब अभी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन और हंगामा शांत नहीं पड़ने वाला। एक तरफ ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने, तीसरी तरफ तमिलनाडु में स्टालिन ने, चौथी तरफ केरल में पिनरई विजयन ने, तो पांचवी तरफ दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने। सरकार कह तो रही है कि इस आवाज की उसके लिए कोई अहमियत नहीं, लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान रह गया है?